साथियों, नेताजी देश के सामने आने वाली चुनौतियों को भलीभांति समझते थे, उनके प्रति सबको आगाह करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत को महान बनाना है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव पर सशक्त होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उनके इस विचार पर ही कड़ा प्रहार किया गया। आजादी के बाद परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी अनेक बुराइयां भारत के लोकतंत्र पर हावी होती रही। ये भी एक बड़ा कारण यहां रहा है कि भारत उस गति से विकसित नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया जिस गति से उसे करना चाहिए था। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अवसरों से वंचित था, वो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संसाधनों से दूर था, राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर, नीति निर्माण पर गिने चुने परिवारों का ही कब्जा रहा। इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो देश की युवा शक्ति और देश की नारी शक्ति को हुआ। युवाओं को कदम कदम पर भेदभाव करने वाली व्यवस्था से जूझना पड़ता था, महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। कोई भी देश ऐसी परिस्थितियों के साथ विकास नहीं कर सकता था, और यही भारत के भी साथ हुआ। इसलिए 2014 में सरकार में आने के बाद हम सबका साथ सबका विकास की भावना से आगे बढ़े। आज 10 वर्षों में देश देख रहा है स्थितियां कैसे बदल रही है। नेताजी ने आजाद भारत के लिए जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। आज गरीब से गरीब परिवार के बेटे बेटी को भी विश्वास है कि आगे बढ़ने के लिए उसके पास अवसरों की कमी नहीं है। आज देश की नारी शक्ति को भी विश्वास मिला है कि उसकी छोटे सी छोटी जरूरत के प्रति सरकार संवेदनशील है। बरसों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बन चुका है। मैं देश के हर युवा, हर बहन बेटी की कहूंगा कि अमृतकाल आपके लिए पराक्रम दिखाने का अवसर लेकर आया है। आपके पास देश के राजनीतिक भविष्य के नव निर्माण का बहुत बड़ा अवसर है। आप विकसित भारत की राजनीति को परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देश की राजनीति को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बुराइयों से हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। हमें राजनीति से भी इन बुराइयों को समाप्त करने का पराक्रम दिखाना ही होगा, इन्हें परास्त करना ही होगा।